फैक्ट नंबर वन गाइस, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स आज भी जिंदा होते अगर उन्होंने ये गलती ना की होती। दरअसल साल 2003 में स्टीव जॉब्स को पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था, जो उस वक्त सर्जरी से आसानी से ठीक हो सकता था, लेकिन बावजूद इसके स्टीव जॉब्स ने कोई भी सर्जरी कराने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें सर्जरी से ज्यादा होम रेमेडीज पे भरोसा था और उन्हें ये लगता था कि अपने आप से ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्टीव जॉब्स का ये कैंसर लगातार बढ़ते चले गया। और तब जाकर डॉक्टर्स के बहुत समझाने पर वो सर्जरी के लिए तैयार तो हुए, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उनका कैंसर बॉडी में बहुत ज्यादा फैल चुका था, इसलिए बाद में वो सर्जरी भी उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाई। और कहा जाता है कि अंतिम पलों में स्टीव जॉब्स को सर्जरी ना कराने का बेहद अफसोस भी हुआ था, लेकिन फिर भी उनके मुंह से मरते वक्त ये तीन शब्द ही निकले थे, क्या बात क्या बात क्या बात। गाइस मतलब कि वो मरने से पहले अपनी जिंदगी को सफल बना चुके थे। लेकिन गाइस आपको क्या लगता है कि अगर आज स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो हमारे लिए और क्या क्या बिल्ड कर सकते थे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर टू गाइस, चाइना को इंडिया रशिया और अमेरिका से इतना डर नहीं लगता जितना कि नंबर चार से लगता है। चौंक गए ना, लेकिन ये सच है। दरअसल चाइना, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों में नंबर चार को अनलकी माना जाता है, और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन देशों में किसी भी चीज में अगर नंबर चार आ जाता है तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। इसलिए इन देशों में लिफ्ट में फोर्थ फ्लोर होता ही नहीं, टैक्सी ड्राइवर चार नंबर वाली नंबर प्लेट को अपनी टैक्सी में लगाते ही नहीं। यहां तक कि चाइना ने 2004 ओलंपिक के लिए बोली लगाई ही नहीं, क्योंकि उसमें नंबर चार इंक्लूडेड था। इसके अलावा वन प्लस, जो कि एक चाइनीज फोन कंपनी है, उस कंपनी ने भी उनकी थर्ड और फिफ्थ सीरीज को लॉन्च किया, लेकिन फोर्थ सीरीज को लॉन्च नहीं किया। गाइस मतलब साफ है कि नंबर चार का चाइना से कुछ ज्यादा ही खौफ है। वैसे गाइस अगर आपका कोई अनलकी नंबर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर थ्री गाइस, MRF इंडिया में टायर बेचने के मामले में नंबर वन कंपनी है, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1946 से पहले MRF टायर कंपनी के मालिक अमेरिका की सड़कों पर गुब्बारे बेचा करते थे। दरअसल MRF के फाउंडर ने 6 साल अमेरिका की रोड पर गुब्बारे बेचने के बाद ये एनालाइज किया कि एक ही अमेरिकन कंपनी पूरे इंडिया में रबड़ सप्लाई करती है, और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स जोड़कर 1946 में पहली बार टायर रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। चूंकि MRF एक इंडियन कंपनी थी तो उसे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ भी इंपोर्ट कॉस्ट नहीं देनी पड़ती थी, और इसी वजह से MRF के टायर काफी ज्यादा सस्ते थे। फिर क्या था, इंडिया के लोगों ने MRF टायर्स को भारी मात्रा में खरीदना चालू कर दिया, और देखते ही देखते MRF इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसके बाद MRF ने बहुत ज्यादा ब्रिलियंट मार्केटिंग की और टॉप इंडियन क्रिकेटर्स जैसे कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को स्पॉन्सर्ड किया, और इन्हीं कुछ वजह से आज MRF का मार्केट शेयर 25% है और उनका मार्केट कैप 28,000 करोड़ रुपए है। गाइस इसे कहते हैं गजब का दिमाग और मार्केटिंग। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर फोर गाइस, साउथ इंडियन फिल्मों जैसे कि बाहुबली, RRR और KGF की वजह से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की नींव वैसे ही हिली पड़ी है। ऊपर से बॉलीवुड के अंदर के लोगों ने ही बॉलीवुड के दोगलेपन की पोल खोलना शुरू कर दिया है, और अब उसमें नया नाम शुमार हुआ है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये कहना है कि वैसे तो बॉलीवुड हिंदी फिल्में बनाता है, लेकिन सेट पर कोई भी एक्टर, को एक्टर और क्रू मेंबर हिंदी में बोलना पसंद तक नहीं करता, लेकिन साउथ इंडियन इंडस्ट्री में वहां के सुपरस्टार्स तक अपनी रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और ऑन कैमरा से ऑफ कैमरा तक अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करना पसंद करते हैं। इसी मिट्टी से जुड़ाव की वजह से साउथ इंडियन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ऊंचाइयां छू रही है, और अपने दोगलेपन की वजह से बॉलीवुड गर्त में जाता जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।